मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ देश में जहां चुनाव का मौसम है तो वहीं ऐसे में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी तरह कल्याण के कुलसेवाड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने शहर में गश्त लगा रही थी। गुप्त जानकारी मिलते ही पुलिस ने विट्ठलवाड़ी स्थित कमला देवी कॉलेज के पास से दो संदिग्धों को छानबीन की। छानबीन में उन युवकों के पास से एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम अकबर गुलाम मुस्तफा और शेर अली अहमद शेख हैं। आचार संहिता जो चल रही है उसके दरमियान हम नाकाबंदी कर रहे थे और जो मोटरसाइकिल पर आने वाले जो नौजवान युवक है जो भारी मात्रा में फास्ट गाड़ी चलाते हैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। उसके दरमियान हमने एक डाउट आया तो उसका हमने आम झटकी लिया। फिर आम झटकी कि इसमें एक तमंचा और तीन जिंदा कारतूस मिले। फिलहाल तो अभी को क्यों उन्होंने क्यों लाया था उसका मकसद क्या था अभी चौकसी के दौरान सब पता चलेगा। क्या इन युवकों के नाम क्या है और ये कोई इनका रिकॉर्ड क्या है? युवकों का तो रिकॉर्ड नहीं है हमारे पुलिस में नहीं, लेकिन आजू बाजू की जो पुलिस आई थे तो वहाँ हम तो सबको रिपोर्ट भेजा है। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उनका एक जो है वो शेर अली अकबर शेख है और एक अकबर मुस्तफा है, दोनों भी शांतिनगर उल्लासनगर की रहने वाले हैं। ये एक्चुअली में कहाँ से लोग लेके आए थे? पुलिस पूछताछ में बताया कि ये लोग कट्टा और कारतूस पश्चिम बंगाल से लाए थे। पुलिस इनसे पूछताछ आगे और भी कर रही कि आखिर ये लोग कट्टा कारतूस किस मकसद से लाए थे, हथियार बेचने के लिए लाए थे या फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए लाए थे। चुनाव के दिनों में हथियार बरामद होना शहर में चिंता का वातावरण बना हुआ है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।